हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर का तबादला उस समय सामने आया था जब वो दिल्ली दंगों की सुनवाई कर रहे थे। दिल्ली दंगों को लेकर जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी और पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को तलब किया था। गृह मंत्री ने जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर को बताया था रूटीन प्रक्रिया। जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली दंगों पर पुलिस को भी फटकार लगाई थी। दिल्ली दंगों पर सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार लगाने वाले हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। आपको बताते चले कि राज्यसभा में अमित शाह ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि उनका एक रूटीन तबादला होना था। विपक्षी दलों को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि बेबुनियादी आरोप लगाने वालों में से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ एक ही जज न्याय कर सकता है? क्या दूसरे जज पर आपको भरोसा नहीं है? यह कैसा हट है कि एक ही जज न्याय कर सकता है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट कलोजियम ने जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया था। मुरलीधर का तबादला उस समय सामने आया था जब वो दिल्ली दंगों में सुनवाई कर रहे थे। दिल्ली दंगों को लेकर जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी और पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को तलब किया था। इसी बीच जब जस्टिस मुरलीधर का तबादला हुआ तो विपक्ष ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। राज्यसभा में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 76% दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। उन्होंने राज्यसभा में कांग्रेस के शासनकाल में हुए दंगों को भी गिनवाया। साथ ही कहा कि दंगई चाहे जिस भी पार्टी जाति या धर्म का हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम दंगइयों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। हमारी फितरत दंगे करवाने की नहीं है बल्कि दंगाइयों को सलाखों के पीछे भेजने की है। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अफसर अंकित शर्मा और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रतनलाल के हथियारों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली दंगों को साजिश का नतीजा बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं के भड़काऊ भाषण के बाद दिल्ली में दंगे हुए, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किए गए जो बाद में दंगे में तब्दील हो गए। अमित शाह ने कहा कि सीएए पर विपक्ष ने मुसलमानों को गुमराह किया है और उनके मन में डर बिठाया है। अमित शाह ने कहा कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। यह नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। जहां तक एनपीआर की बात है तो उसमें किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं है। इस बीच राज्यसभा में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद की अमित शाह से बहस भी देखने को मिली। तब नहीं होंगे दंगे, तब नहीं फैलेंगी दफड़। किसके आधार पर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चले? कौन वोट बना है? और मैं कहता हूं कि ये सदन में बैठे हुए सारे विद्वान लोग हैं, कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े अधिवक्ता है, सीएए कानून में कोई प्रोविजन मुझे ऐसा बता दो कि जिससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, प्लीज मुझे बता दीजिए। नहीं सिब्बल साहब, मैं बता, पहले जब कहें तो बताइए। मैं सीएए की बात कर रहा हूं, नाम लेने से क्या? मैं सीएए की बात, आप बैठे ना, बैठिए बैठिए, कोई और बोल जाए। गृह मंत्री जी, कोई ये नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता का छीनेगा, हम नहीं कह रहे। साहब एक मिनट बात तो सुन लीजिए। आप उसे, नहीं नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी बात तो सुन, मान्यवर मेरी बात सिब्बल साहब, गुलाम नबी सिब्बल साहब ये करते हुए कानून ये कहता है कि जब एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल, बात तो सुनिए मेरी, एनपीआर होगा उसमें 10 सवाल और पूछे जाएंगे और जो एन्यूमरेटर है, जो राज्य सरकार का अध्यक्ष है वो जाकर पूछेगा, ये भी बता देता हूं, उसके बाद वो डी लगा देगा डाउटफुल, उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी। और ये मुसलमानों के प्रति नहीं है, ये गरीब लोगों के प्रति है, ये जो दलित लोगों के प्रति है, ये सब लोगों के। प्लीज सिब्बल साहब, मैं रिकॉर्ड पे कुछ कहना चाहता हूँ, शायद आपके काम में है। सिब्बल जी बैठ जाइए। सिब्बल
मैं बता देता हूँ सब, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आप बैठ, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मान्यवर, मान्यवर मैं कितने भाषण कोट कर सकता हूं श्रीमान कपिल सिब्बल की पार्टी के नेताओं के जो कहते हैं सीएए माइनॉरिटी के खिलाफ। बता दे किस तरह से माइनॉरिटी के खिलाफ, किसी के, मैं आपको बताता हूं मान्यवर, सीए मान्यवर कपिल सिब्बल साहब, मान्यवर माननीय सदस्य ने, बेटे बेटे मत बोलिए ना, माननीय सदस्य ने कहा कि एनपीआर के अंदर डॉक्यूमेंट मांगेंगे, मैंने खुद स्पष्टता करी है, प्रेस रिलीज किया है कि एनपीआर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक एक दूसरा दूसरा पहले के एनपीआर में भी नहीं मांगा गया था, इसमें भी नहीं मांगा जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा था इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करें, इसकी भी स्पष्टता प्रेस रिलीज कर दी है कि जितनी इंफॉर्मेशन देनी है उतनी देने के लिए आप आजाद हो, पूरा ऑप्शनल है। तीसरा लेकिन ये आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया, ये आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया। एक मिनट, मैं लोकसभा मान्यवर मैं आपको बताता हूं, चलो आपने अब तक नहीं सुना, मेरी बात अब तक नहीं पहुंची तो मैं अभी कह देता हूं, लीजिए पहुंच गई, आमने सामने बैठे हैं, कृपया आप समर्थन करिए। मैं आपको भाई एक मिनट, मैं स्पष्टता के साथ कहता हूं एनपीआर में कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा। एक दूसरा, जो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते हो। और तीसरा, कोई डीवी, मैं कह रहा हूं गृह मंत्री नाते राज्यसभा के पटल पर कह रहा हूं कि कोई डी लगने वाला नहीं किसी को, अब मेरी बात तो समझ लो, किसी को इस देश को, इस देश में किसी को एनपीआर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, दूसरी बात है? आप बता दीजिए सदन में क्या, मैंने बताया ना जिसकी इंफॉर्मेशन खाली होगी उसको डी में डाला जाएगा, जो आपने कहा। अरे सुनो ना, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, मान्यवर मुझे पूरी बात कहने दो, अरे पूरी बात तो कहने दो, बैठ जाओ पहले, एक मिनट मुझे सुनकर बताओ, एक मिनट, अरे मुझे सुनकर बताओ, पूरी बात सुनो पहले, पहले पूरी बात सुनो, एक मिनट, एक मिनट, ओ डायरेक्ट, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट मुझे सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं, बैठ जाइए, मैं जवाब देता हूं ना, अरे विनय विश्वम जी मैं जवाब देता हूं, सुनिए तो, मुझे बोलने भी नहीं देंगे यार, एक सेकंड आप सुनिए ना, मगर भाई को बैठिए, भैया थोड़ी सहिष्णुता बढ़ाइए, मुझे बोलने भी नहीं देंगे, ठहरो भैया तो मर गया, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि मैं अजीब, सुनिए अभी मेरा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ, खड़े हो गए, जिसकी जगह खाली होगी कोई भी इसको डी लगा देंगे, जैसा आप कहते हैं ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आप बोले अभी मान्यवर, एक सेकंड, नहीं लगेगा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आई थिंक गृह मंत्री जी कह रहे हैं, अगर मैं अच्छी तरह से सुना, कि डी किसी के सामने नहीं लगेगा। हाँ जी यही कह रहे हैं। हाँ जी, तो डी नहीं लगेगा जी। अच्छा ठीक, अब फिर भी, फिर भी, फिर भी, फिर भी सुनो भाई, अरे फिर क्यों बात कर रहे हो, फिर भी बैठ जाए हलवाई जी, दो मिनट बैठिए, बैठिए मान्यवर, फिर भी मैं कहता हूं गुलाम नबी आजाद,
आप बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए ना मान्यवर। फिर भी मैं कहता हूं, गुलाम नबी आजाद सबसे वरिष्ठ हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, आनंद शर्मा जी गुरु समिति हमारी गुरु की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। विपक्ष के किसी भी सदस्य को अगर इसके बारे में डाउट है, गुलाम नबी साहब प्लीज लेकर आप आइए, मैं प्रायोरिटी के साथ आपको समय दूंगा, मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और इस भ्रम का मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस पर कहते अफसरों की उपस्थिति में, एक सेकंड बैठ जाइए ना भाई, सर इनको कंप्लीट कर दीजिए। मान्यवर मैं कहता हूं, मैं कहता हूं मान्यवर मैंने कहा कि गुलाम नबी साहब सभी विपक्ष के दल के एक दो चुनिंदा लोगों का सांसद के साथ जो मेरे साथ चर्चा करने आना चाहता हो लेकर आइए। आनंद शर्मा हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, वो भी आए ये विषय पर। एक सेकंड, अरे सुनो ना, मगर अध्यक्ष जी क्या बना रहे इनको? देखिए मंत्री जी बोल रहे हैं, बीच में इस प्रकार का व्यवधान खड़ा करना गरिमापूर्ण नहीं है। जब उनका वक्तव्य पूरा हो जाए तो आपको कुछ पूछना है तो वो उसका उत्तर देने के लिए अनुकूलता होने से उत्तर देंगे। मान्यवर मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि अभी राइट्स पर चर्चा हो रही है। एनपीआर के लिए आप मेरे साथ कभी भी गुलाम नबी साहब आइए, एक या दो दिन की प्रायोरिटी में मैं आपको समय दे दूंगा और हम सार्थक चर्चा करेंगे, अधिकारियों को भी उपस्थित रखेंगे जिससे सारे भ्रमों का निरसन हो जाए। और बाद में मैं ये विनंती सारे विपक्षी दलों को करता चाहूं, बहुत हो गया, सीए और एनपीआर पर भ्रांति बंद करने का समय आ गया है। नहीं मगर उसमें आ जाओ ना भाई, उसमें आ जाओ ना डायरेक्ट भाई, आप भी आना मान्यवर। नॉट हिल्डिंग डायरेक्ट बैठिए, प्लीज सिट डाउन। मान्यवर आई एम नॉट अलाउंग यू, ही इज नॉट हिल्डिंग, आई एम नॉट अलाउंग यू, प्लीज ही इज नॉट अलाउंग। डायरेक्ट आप प्रतिनिधि मंडल में आ जाइए, डायरेक्ट नॉट हिल्डिंग। गुलाम नबी आजाद के वरिष्ठता में देर बैठी मान्यवर, मान्यवर दोनों ओर से हेट स्पीच की बात हुई, हम सबने स्वीकार करना पड़ेगा। हो सकता है सीए के लिए आपके मन में कंफ्यूजन हो, कोई शंका हो, जो भी था, मगर देश के मुसलमान भाई बहनों के मन में, माइनॉरिटी के मन में एक बड़ा इसके कारण शंका का वातावरण खड़ा हुआ है। इसको क्लैरिफाई करना चाहिए, इसका निरसन करना चाहिए, इसका मान्यवर मैं किसी के नाम वगैरह देना नहीं चाहता, परंतु हेट स्पीचेस के लिए जो बातें की गई और कुछ सदस्यों ने सीआरपीसी के और आईपीसी के दफाए भी कोट की, मैं सभी को कहना चाहता हूं कि रिसेंटली जो रायट्स हुए उसके पहले क्या हुआ। मान्यवर 15 दिसंबर को, 14 दिसंबर को शाहीनबाग नहीं हुआ था, शाहीनबाग को शांत प्रोटेस्ट है, हमने कभी इस प्रकार से नहीं कहा कि भाई किसी को अधिकार नहीं, सवाल लोगों की सुविधा का है, लोगों की सुविधाएं नहीं तोड़ना चाहिए। एक प्रदर्शन की एक जगह होती है, वहां बैठकर प्रदर्शन करना चाहिए और ऐसी जगह भी दिल्ली में निश्चित है,
हजारों हजारों हमने भी किए, आपने भी किए, प्रदर्शन करने की जगह वहां सब बैठकर प्रदर्शन कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। परंतु 14 दिसंबर को जो भाषण हुए माननीय रामलीला मैदान में, इसके अंदर काफी सदस्यों ने कहा है कि आर पार की लड़ाई करिए, नहीं निकलेंगे तो कायर कहलाए जाओगे। अब उसके बाद 15 दिसंबर को शाहीन बाग का धरना हुआ माननीय, और उसी दिनों में पहली बार प्रोटेस्ट हुए, हालांकि वो कौमी दंगे नहीं थे, प्रोटेस्ट करने वाले और पुलिस के बीच की झड़प थी, ये 15 को ही हुआ। तो हेट स्पीचेस का असर किसका हुआ है वो मैं कहना चाहता हूं। माननीय 17 फरवरी को एक युवा ने अमरावती महाराष्ट्र में भाषण कर दिया कि जब ट्रंप यहां पर आते हैं, विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, तब मालूम पड़ना चाहिए कि हिंदुस्तान के हुक्मरानों के सामने हमारी भावनाएं क्या है, रोड पर आ जाइए और ताकत दिखाइए। ये हेट स्पीच का सीधा असर 24 तारीख को दिखा, 23 तारीख को दिखा, 23 तारीख को 7-8 धरने लग गए, ये हेट स्पीच का असर है। 19 फरवरी को एक पार्टी के नेता ने कहा कि हम 15 करोड़ है, चिंता की बात नहीं, हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी। मान्यवर बोलने ही नहीं देंगे तो कैसे होगा महाराष्ट्र में किंग मान्यवर। और बाद में 23 तारीख को 7-8 जगह पे ये नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के अंदर धरना की शुरुआत हुई, और उसके बाद में इससे बढ़ते बढ़ते जो एनटीसीए प्रोटेस्ट था वो धीरे 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 कॉम्युनल दंगों में कन्वर्ट हुआ। माननीय मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हेट स्पीचेस किसी की भी बख्शनी नहीं, आपस में बातचीत नहीं, और ये जो जज की ट्रांसफर की बात है, कानून मंत्री जी ने ढंग से इसकी सफाई दी है, मगर देश और दुनिया के सामने आना चाहिए कि जज की ट्रांसफर का ऑर्डर सिर्फ भारत सरकार करती है, ट्रांसफर की सिफारिश कॉलेजियम करता है, कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठता है, उनकी सिफारिश होती है, बाद में जज की कंसेंट ली जाती है, और इस केस में सिफारिश भी 12 फरवरी को आ गई थी, जज की कंसेंट भी 2 दिन पहले आई थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सिर्फ उस दिन निकला है। तो इसको किसी केस विशेष के साथ एक सेकंड भाई, अब ये क्या रनिंग कमेंट्री, अब मुझे सुनिए ना अध्यक्ष जी, आप संरक्षण दीजिए, ऐसे थोड़ी ना चलता है, ठीक। इसका किसी एक केस के लिए जुड़ाव नहीं है, और मैं दूसरा भी पक्ष कहना चाहता हूं, एक सेकंड, 3 लोगों का ट्रांसफर हुआ, सबकी कंसेंट है, रिकॉर्ड पर है, और मैं एक क्या विचार है कि एक ही जज हमारे पास न्याय कर सकेंगे, दूसरे जज क्या न्याय नहीं करेंगे, एक ही जज न्याय कर पाएंगे क्या, ये किस प्रकार की मानसिकता है कि एक ही जज हमारे साथ न्याय करेंगे। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि फला फला जज साहब है वही न्याय करेंगे और बाकी सब अन्याय कर देंगे, ये रूटीन ट्रांसफर है मान्यवर। जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर सरकार का दखल, आप भी सरकार में रहे हो सब, बहुत कम होता है, ज्यादा से ज्यादा हम वापिस भेज सकते हैं, वो दोबारा भेज दे तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और मैं तो ये मानसिकता का भी विरोधी हूं कि पर्टिकुलर वाई पर्टिकुलर जज, एक जज क्यों, दूसरे जज पर भरोसा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है दूसरे जज पर, दूसरा भी जज है, क्या बेतुका बातें हम लोगों के सामने फैलाते हैं, सदन के अंदर बोलते हैं, हमारी जुडिशियरी के लिए क्या संदेश भेजना चाहते हैं। इस प्रकार से मान्यवर नहीं चलता। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो हेट स्पीचेस हुई हैं वो हेट स्पीचेस, पैसा भेजने की साजिश, कुछ अकाउंट्स का 23 तारीख के पहले खुलना और 25 तारीख की रात को बंद हो जाना, ट्रंप जब आए तब ताकत दिखाना है, और उसी वक्त एक सीमित समय में दंगे होना, और कुछ लोग तो एकदम, कुछ सदस्य इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड राइट्स हैं,
मैं इतना कॉमन सेंस तो भैया आप इस्तेमाल करो, जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आए हो, मेजबान देश के प्रधानमंत्री हो, तब मेरी सरकार स्टेट स्पॉन्सर आय का मुहूर्त ऐसा निकालेगी क्या? जरा कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करो भाई, क्या आरोप लगा रहे हो? दंगे कराना हमारी फितरत नहीं है साहब, हमारी फितरत है दंगे करने को ढूंढ ढूंढ कर जेल की सड़क। और मैं जो कहता हूं मेरी पार्टी के साथ, मेरी आइडियोलॉजी के साथ दंगों को जोड़ने का प्रयास आजादी से हो रहा है, मगर साहब आंकड़े कुछ अलग है, आंकड़े कुछ अलग है। 1967 बीजेपी सत्ता में नहीं, 69 सत्ता में नहीं, 67 रांची हम सत्ता में नहीं थे, 67 अहमदाबाद हम नहीं थे, जल सब बोलता हूं सुनिए जरा, जलगांव 70 हम सत्ता में नहीं थे, जमशेदपुर 79 हम सत्ता में नहीं थे, मुरादाबाद 80 हम सत्ता में नहीं थे, आसाम 83 हम सत्ता में नहीं थे, अहमदाबाद 85 हम सत्ता में नहीं थे, भागलपुर 89 हम सत्ता में नहीं थे, 89 दिल्ली हम सत्ता में नहीं थे, 90 हैदराबाद हम सत्ता में नहीं थे, अलीगढ़ 90 हम सत्ता में नहीं थे, सूरत 92 हम सत्ता में नहीं थे, कानपुर 92 हम सत्ता में नहीं थे, भोपाल भोपाल 92 हम सत्ता में नहीं थे, 93 मुरादा 93 मुंबई मान्यवर 93 मुंबई हम सत्ता में नहीं थे, हम सत्ता में थे सिर्फ गुजरात में रायट्स हुए, रायट्स में मरने वाले 76% लोग कांग्रेस के शासन में मारे गए हैं, मेरी पार्टी पर क्या मान्यवर? मैं इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर, मगर शासन किसका था, शासन किसका था मान्यवर? मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में दंगे हुए, इन्होंने भी इसको शांत करने का प्रयास किया होगा, हमारे समय में हुए हम भी कर रहे हैं, परंतु इसको मेरी पार्टी और मेरी आइडियोलॉजी के माथे बनने का प्रयास निंदनीय है, जब हकीकत उल्टी है कि 76% लोग रायट्स में मारे गए हैं, कांग्रेस के शासन में मारे गए हैं, ये रिकॉर्ड मान्यवर, ये रिकॉर्ड, अरे सुनना पड़ेगा, शुरुआत मैंने नहीं की है, शुरुआत मैंने नहीं की है साहब, उनको सुनना पड़ेगा मान्यवर। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया के सारे लोग भी जो उपयोग कर रहे हैं उन लोगों को भी विनंती करना चाहता हूं, सारी पार्टी के लीडरों को भी विनंती करना चाहता हूं कि अभी ऐसा कुछ न करें जिससे ताजा जख्म हरे हो जाए, हम सब सहयोग करें प्रशासन का, हम सब सहयोग करें पुलिस का, और जो मारे गए हैं उनके परिवारों के पुनर्वसन का, जिनका नुकसान हुआ है उनके परिवारों के पुनर्वसन का। मैं फिर से अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सीएए के कारण, एनपीआर के कारण मेहरबानी करते इस देश की माइनॉरिटी के एक भी व्यक्ति को शंका न रखें। मैंने सभी सदस्यों को कहा है, गुलाम नबी जी के नेतृत्व में, आनंद शर्मा के नेतृत्व में, जिसको भी कोई कंफ्यूजन है कृपया आप मेरे पास आइए, मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि ये किस तरह से किसी की भी हानि नहीं हो सकती। दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मर गए हैं उनके परिवारों के नुकसान की भरपाई मैं नहीं कर सकता, मैं ईश्वर नहीं हूं मान्यवर, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं जिनके घर जले हैं, दुकानें जली हैं, जिनके शरीर को इजा आई है और जिनके परिवारों की जान चली गई है, आप इतना भरोसा रखना एक भी दंगाई छूट न पाए, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी का, इसका हम भरोसा देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD बैंकवेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.